चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। देखिए दिल्ली में अब सरकार से ज्यादा ताकतवर राज्यपाल होंगे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एनसीटी का जो ये बिल है वो पास हो गया है। बिल भी पास, दो दिन फेवर एलपी से आई, दो जगह एलपी से नो। आई थिंक द बिल इज पास। विधेयक पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग की गई, जिसमें 45 के मुकाबले 83 मतों से विधेयक पारित हो गया। लॉबीज भी क्लियर, ओपन लॉबीज भी ओपन। विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। निर्णय के विरुद्ध में हम वॉकआउट करते हैं। धन्यवाद। एनसीटी बिल पास होने पर आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। मैं ये कहूंगा कि ये देश के संविधान और लोकतंत्र को हराने की कोशिश की गई है, और आज मोदी जी ने मान लिया, नरेंद्र मोदी जी ने, कि उनको अगर किसी से डर लगता है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जो काम हो रहा है आज संसद के अंदर वो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि संविधान के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये दलील जाती है वो बकायदा रिजेक्ट होगी और सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। विपक्ष एक सुर में बिल का विरोध कर रहा है, जबकि बीजेपी सांसदों ने इसे दिल्ली की बेहतरी के लिए जरूरी कदम बताया। ये दिल्ली के हक में, दिल्ली की जनता के हक में, और दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो विधानसभा है वह सही तरीके से कार्य करे, इसके लिए इस बिल को पारित किया गया। लोकसभा में ये बिल 22 मार्च को पारित हो गया था। इस बिल के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में मंजूरी लेना जरूरी होगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।